अस्सलाम वालेकुम मेरे जुमदे, आप सब खैरियत से होंगे। बैरियर टाउन कराची जो है कोई मौका नहीं छोड़ता है। पोजीशन यूटिलिटी चार्जेस जो है वो 50% बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ से पहले 2 से 3 नोटिस दिए गए थे इन्वेस्टर्स कस्टमर्स को कि पोजीशन चार्जेस जो है वो आप पे करें, अदरवाइज जो है पोजीशन चार्जेस जो है वो 50% इंक्रीज कर दिए जाएंगे। इन हालात में जो है बैरियर टाउन ने 50% चार्जेस जो है वो अपने कस्टमर्स पे इम्प्लीमेंट किए हैं, जो कि मैं समझता हूँ ज्यादती है, और इसके अगेंस्ट में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बैरियर टाउन कराची जो है वो इस डिसीजन को वापस ले और मजीद जो है वो चार्जेस जो है वो रिवाइज किया जाए। मुझे आइडिया है कि एक वीडियो या 2-3 वीडियोस से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता बैरियर टाउन के मैनेजमेंट को, लेकिन हम जो है वो कोशिश करते हैं कि ऑनेस्ट रहा जाए अपनी वीडियोस में और अपने इन्वेस्टर्स के लिए। इन हालात के अंदर बैरियर टाउन कराची की जो मैनेजमेंट है उनको समझ नहीं आता कौन एडवाइस करता है। इन हालात के अंदर बैरियर टाउन 2 जो है वो लॉन्च किया, जो कि फ्लॉप हुआ। छोटे कंसल्टेंट या ब्रोकर को जो है वो आइडिया था कि बैरियर टाउन कराची 2 जो है वो अगर इन हालात में लॉन्च किया जाता है तो वो फ्लॉप होगा, और हमारी भी प्रोडिक्शन यही थी, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी भी प्रोडिक्शन यही थी। लेकिन लॉन्च किया बैरियर टाउन ने और वो फ्लॉप हुआ, उसका जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है वो बैरियर टाउन कराची 1 पे आया। बैरियर टाउन कराची को जो है वो कोई भी डिसीजन अगर बैकफायर करता है तो वो आप ये समझें कि बैरियर टाउन के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑन ग्राउंड हैं और जो कि काफ़ी तेज़ी से डेवलप्ड हो रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से आबाद हो रहे हैं, उन पे इनडायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट आता है। बैरियर टाउन नवाबशाह जो है वो लॉन्च किया, उसका भी काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो बैरियर टाउन कराची 1 की प्राइसेस के ऊपर आया। बैरियर टाउन कराची जो है वो हाईवे के ऊपर मौजूद है, सिटी से काफ़ी डिस्टेंस है, इसका पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो है वो जो हाईवे की सोसाइटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने में आ रही है। इस नोटिस के साथ साथ बैरियर टाउन ने एक नोटिस और दिया है जिसमें 2 से ज़्यादा अगर इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू होंगी, वेरिया ग्रीन की ही इंस्टॉलमेंट चल रही है अभी वेरिया ग्रीन, इसके अलावा मेरे ख्याल में किसी सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट, अगर इनकी इंस्टॉलमेंट अगर 2 से ज़्यादा ड्यू होती हैं तो आपकी फाइल को जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया जाएगा। बैरियर टाउन कराची जो है फुल फ्रंट पे आके जो है वो खेल रहा है, फुल एग्रेसिव प्ले कर रहा है, और उसको कोई ख्याल नहीं है बैरियर टाउन कराची की मैनेजमेंट को कि इन्वेस्टर जो है वो ऑलरेडी 25 से 30% का नुकसान जो है वो उस मार्केट में बेयर कर रहे हैं, और मजीद जो है वो जून में जो बजट आएगा बायर्स के लिए मैसेज है, अगर बाय कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक सेलर हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव डील हो तो बाय करें। इन हालात के अंदर बाइंग करना मुनासिब नहीं है। वो बात ठीक है कि जो प्लॉट 70 लाख रुपए का था आज जो है वही प्लॉट 40 से 45 लाख रुपए का है, लेकिन यही प्लॉट 40 से 45 लाख रुपए वाला प्लॉट 35 से 38 लाख रुपए भी आ सकता है, अल्लाह ना करे, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान भी अभी क्लियर कर चुके हैं। लेकिन ये पोजीशन यूटिलिटी के जो चार्जेज हैं इस टाइम पर आना बहुत ज़्यादा ज्यादती है बैरियर टाउन के जो कस्टमर्स हैं उनके साथ, और उम्मीद करते हैं कि बैरियर टाउन कराची डिसीजन रिवर्स करेगा और चार्जेस को दोबारा रिवाइज करेगा। 10-20% जो है वो अगर करता है बैरियर टाउन कराची पोजीशन चार्जेस इंक्रीज तो वो फिर भी बेयरेबल है, एक्सेप्ट किया 50% जो है चार्जेस जो है वो बैरियर टाउन ने इंक्रीज कर दिए हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।